अब मैं पहुंचा हूं गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की स्टॉल पर और हमसे बात करने के लिए यहां महानुभाव हैं। सब जानना चाहूँ आपका नाम। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक जुनेजा है। जैसा आप देख पा रहे हैं मैं गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पानीपत से बिलोंग करता हूं और आज हम यहां जींद में आए हुए हैं एजुकेशन फेयर में, इस प्रोग्राम में जिसको आप भी कवर करने आए हैं। जानना चाहूँगा गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है किस तरह से और इंस्टीट्यूटों से अलग है, अगर स्टूडेंट क्यों पसंद करे, क्यों यहाँ पे एडमिशन ले। देखिए, अच्छा सवाल है आपका पब्लिक तक ये बात पहुँचाने के लिए। हमारे एक्चुअली गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है इसके अंदर बहुत सारे जो है कॉलेजेस हैं। पहला जो कॉलेज है वो गीता इंजीनियरिंग कॉलेज है और जो आप पूछ रहे हैं किस प्रकार अलग है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ना बताते हुए मैं आपको मेन फंडामेंटल चीज़ें बताना पसंद करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे हरियाणा के अंदर एकमात्र प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि नैक से एक्रेडिटेड है। इसके अलावा कोई भी कॉलेज नैक से एक्रेडिटेड नहीं है, ये हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की विशेषता है। जब हम बात करते हैं हमारे लॉ कॉलेज की तो अगेन मैं वही बात कहूँगा कि बहुत सारी बातों से नहीं बताऊँगा आपको, मात्र मेन डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं हमारे लॉ कॉलेज की तो जितनी भी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट पोजीशन है वो मात्र गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से आती हैं। आज तक कोई और कॉलेज नहीं हुआ, इवन कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस से कभी भी टॉप यूनिवर्सिटी पोजीशन नहीं आती, जो कि गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ देता आया है और देता रहेगा। इसके बाद हमारा जो अगला कॉलेज है वो है लक्ष्य कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। हमारा कॉलेज एकमात्र कॉलेज है फिर से हरियाणा में जो AICTE अप्रूव्ड कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूँ, आम कॉलेजों की बात नहीं कर रहा, जो कि फॉरेन के अंदर जैसे सिंगापुर, मलेशिया और दुबई के अंदर जो प्लेसमेंट देता है, बच्चों को इंटर्नशिप देता है। हमारा फंडा है अर्न वाइल यू लर्न, कि जब आप पढ़ रहे हैं उस समय आप पैसा भी कमा रहे हैं। हम बच्चों को कोर्स के दौरान ही इंटर्नशिप की फैसिलिटी सिंगापुर, मलेशिया और दुबई में देते हैं और अच्छी से अच्छी फॉरेन कंट्रीज 7-स्टार होटल्स के अंदर उनकी प्लेसमेंट कराते हैं। आज हमारे बच्चे लाखों रुपए के पैकेजेस पर काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कोर्सेज कौन कौन से, आपसे जानना चाहूँगा क्या कोर्सेज आप कराते हैं। बेसिकली सारे कोर्सेज को हम इंक्लूड करते हैं ऑलमोस्ट। टेक्निकल की बात करें तो BTech और MTech, मैनेजमेंट की बात करें तो BBA और MBA, इफ अगर हम लॉ की बात करते हैं तो LLB, LLM, राइट, एंड BA LLB, BBA LLB के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा वी आर गोइंग फॉर अ वोकेशनल कोर्सेज, डिप्लोमा कराते हैं हम बेसिकली। वी हैव BFSI, बैंकिंग और फाइनेंशियल के कोर्सेज भी रहते हैं। सो वी हैव डिप्लोमा प्लस द वोकेशनल कोर्स अवेलेबल इन आर कैंपस। आपके कैंपस को मैंने देखा, एक बहुत बड़ा कैंपस है और विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, उसके बारे क्या कहना चाहिए। दैट्स डेफिनेटली ट्रू, वी आर हैविंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 कंट्रीज एंड 17 स्टेट्स, सो दैट इज़ फ्रॉम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान एंड ऑल दीज कंट्रीज आर देयर। सो वी आर हैविंग अ वेरी गुड, यू कैन से द कम्प्लीट एम्बियंस ऑफ द कम्प्लीट कॉलेज इज वेरी गुड, सो दैट बच्चा कम्युनिकेशन का लेवल काफ़ी हद तक अपना इंटर स्टेट के बच्चे और इंटर कंट्री के बच्चे से ही कम्प्लीट कर लेता है। सो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ अटमोस्ट एडवांटेज आई मस्ट से ऑफ द गीता ग्रुप। ये बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस कॉलेज कैंपस की। अब मैं जानना चाहूँगा जो रिजल्ट कितना रहता है आपके कॉलेज का। रिजल्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशियल पार्ट फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। सो गीता ग्रुप इज बेसिकली लाइक 70% प्लस हमारा सारा रिजल्ट रहेगा। ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंक के टॉपर्स रहे हैं हम लोग, सो एवरी टाइम वी हैव टच द हाइट्स फॉर द रिजल्ट इटसेल्फ। चाहे हमारा कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, ऑल कंप्लीट डिपार्टमेंट्स आर लाइक स्कोरिंग मोर देन 70%। जैसे कि मैंने सभी स्टॉल्स पे घूम के देखा है, आपकी स्टॉल पे जो गैदरिंग है, जो स्टूडेंट्स की गैदरिंग है सबसे ज़्यादा है और आपका स्टाफ भी औरों से डबल है। आपने स्टाफ क्या, पूरी एक रणनीति के तहत आप इस फेयर में आज उतरे हैं। दैट इज समथिंग लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज एप्लीकेबल हैं। सेकेंडली वी हैव वेरी गुड फैकल्टी मेम्बर्स विद अस, वी हैव डॉक्टरेट एंड वी हैव अ वेरी गुड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ मेम्बर्स विद अस। सो ऐसा था कि बट डेफिनेटली येस, दे आर अ वेरी गुड काउंसलिंग एज वेल एज the teaching faculty, so might be that would be the reason कि हम ज़्यादा से ज़्यादा knowledge बच्चों को देना चाहें। अभी तक कितने बच्चों की counseling आप लोग कर चुके हैं? That would be, I think it's approximately 50 to 60 students would be there. और last time जब हुआ था fair, क्या तब भी participate किया था आपके college ने? Yes, we generally participated in the fairs like whatever, हाँ जी। सो अल्टीमेटली लाइक हर जगह पर ही होते हैं, लाइक प्रगति मैदान एंड देन इट्स जीन एंड करनाल, एवरीवेयर वी पार्टिसिपेट। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू।
तो ये थे गीता ग्रुप होम इंस्टीट्यूट के जो यहाँ पर हैं, आए हैं और समझाने बच्चों को गाइड करने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और मैंने ये देखा भी है, गीता ग्रुप होम इंस्टीट्यूट हर जगह पहुँचता है, चाहे कहीं भी एजुकेशन फेयर हो, दिल्ली हो, करनाल हो, जींद हो, हर जगह कोशिश करते हैं वो बच्चों के डोर स्टेप पे जाए और जोड़ने की कोशिश करें।